चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन फिलहाल लालू प्रसाद यादव बाहर नहीं निकलेंगे। तो सवाल यही है कि आखिर लालू प्रसाद यादव अब जेल से बाहर कब निकलेंगे। इसी तमाम मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार हैं। प्रभात जी, लालू जी कब निकलेंगे जेल से बाहर? अभी उनका दो मामला और है, एक केस में 7 साल की सजा है और एक केस में 5 साल की सजा मिली है। तो अभी तो जो 23 दिसंबर 2017 से जो जेल गए थे तो मिला के करीब करीब 1.5-2 साल तो हो गया है, और ट्रायल के समय भी जेल में रहे थे। तब उस सबको कैलकुलेट करने के बाद हमको लगता है कि बाकी दो केस में जो है 3-4 महीना के अंदर अंदर हाफ सेंटेंस हो जाएगा। तो अब जो दो मामले बचे हुए हैं, एक तो देवघर चाईबासा कोषागार और दुमका कोषागार, तो दोनों में कितनी कितनी सजा हुई थी? चाईबासा वाला में 5 साल की सजा हुई थी और दुमका वाला में 7 साल की हुई थी। कब कब सजा हुई थी? चाईबासा वाला में जजमेंट आया था 18 या 19 जनवरी को आया था, और इसमें दुमका वाले में जहाँ तक अप्रैल के महीना में, अप्रैल 18 में आया था। 5 साल और 7 साल जी। तो ये दोनों जो अलग अलग कोषागार से जुड़े मामले, इन दोनों की सजा कितनी पूरी हो चुकी है? अब हाफ के मैंने कंप्लीट होने कहीं वर्ष पर है, बहुत होगा तो 3-4 महीना बाकी होगा। मतलब जो लालू प्रसाद यादव को चाहने वाले, मानने वाले, उनके फैंस फॉलोअर्स हैं, राजद के जो नेता कार्यकर्ता हैं, उनके लिए यही खबर है कि लालू प्रसाद यादव अब नवंबर दिसंबर तक बाहर आ सकते हैं। आज जिस आधार पर बेल मिला उस आधार हाँ, आज इस आधार पर मिली है। तो अगर बाकी दो केसों में भी अगर उस आधार को मानते हुए हम दाखिल करेंगे तो 3-4 महीना नवंबर दिसंबर तक बाहर आ जाएंगे। आपको लगता है अब कोई कठिनाई है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट से एक बार खारिज हो चुका था, तो अब चूंकि आधार तो नहीं खारिज हुआ था, पर वहाँ पर इस कोर्ट ने देखा कि खारिज का क्या आदेश है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है कि जिसको सजा हुआ है अगर हाफ सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो उसको बेल ग्रांट किया जाए, तो उसी के आधार पर हो गया है। तब आप लोग आगे क्या कीजिएगा? क्या अब फिर से हाईकोर्ट में दोनों मामले को लेकर जमानत याचिका दायर कीजिएगा? अब जैसे जैसे कंप्लीट होगा हाफ सेंटेंस वैसे से फाइल करेंगे। अच्छा, हाफ सेंटेंस पूरे होने के बाद, मतलब 2-3 महीने के बाद आप लोग? हाँ, देख लेते हैं, अभी 3 महीना कहना मुश्किल है, वो अब अपना रिकॉर्ड देखेंगे कितना हुआ है। अब 3 महीना भी हो सकता है, 4 महीना हो सकता है, वो कैलकुलेट की तो कैलकुलेशन का चीज़ है, कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद ही हम इस पर कुछ बता सकते हैं एग्जैक्ट कौन सा महीना में होगा। अच्छा, इस बीच क्या उनके स्वास्थ्य को लेकर या फिर अन्य कोई बातों को लेकर जमानत याचिका दायर हो सकती है? नहीं, ऐसा तो हमारे अभी हम लोग को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, हमारे क्लाइंट्स का ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, हॉस्पिटल में ही है, वहाँ पर डॉक्टर लोग देखभाल कर रहे हैं, और डॉक्टर लोग भी हम लोग से कभी इस तरह का कोई बात नहीं बोले हैं स्वास्थ्य के बारे में, तो इसलिए अभी उसका कोई सवाल ही नहीं होगा। हाफ सेंटेंस के आधार पर ही अपील? हाँ, अभी हाँ, अभी तो हाफ सेंटेंस पर ही देंगे। तो बिल्कुल, ये थे लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि देवघर कोषागार से जुड़े हुए मामले में हाफ सेंटेंस के आधार पर जो बेल मिला, उसी आधार पर अब दुमका और चाईबासा कोषागार से जुड़े हुए मामले में ये अपील करेंगे, और उसके बाद इन्हें पूरा भरोसा है कि 3 से 4 महीने यानी कि नवंबर दिसंबर तक, जब दोनों मामले की आधी अवधि पूरी हो जाएगी, उसके बाद लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर निकल जाएंगे। रांची से सन्नी सारथ की रिपोर्ट।